फिल्म की शुरुआत होती है साल 1962 में ग्राजा नाम के एक इटालियन जहाज पर। फ्रेंचेस्का नाम की एक सिंगर परफॉर्म करके सभी गेस्ट को एंटरटेन कर रही है। इस सब के बीच एक छोटी लड़की केटी अकेली बैठी थी क्योंकि उसके साथ नाचने वाला कोई नहीं था। शिप के कैप्टन ने ये नोटिस किया और उसे डांस फ्लोर पर ले आया। ये मौज मस्ती से भरी पार्टी जल्द ही एक दर्दनाक हादसे में बदल गई जब एक अनजान आदमी ने एक लिवर को उठाया, जिसकी वजह से एक तीखी स्टील वायर डांस फ्लोर के एक छोर से दूसरे तक खींची चली गई। वो तार वहां डांस कर रहे लोगों के शरीर के पार हो गई थी। उनकी लाशें धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। इस हादसे में वहां सिर्फ केटी ही बच पाई थी क्योंकि उसकी हाइट छोटी होने की वजह से वो तार उसके ऊपर से गुजर गई। अगले सीन में हमने देखा कि 40 साल बाद यानी कि 2002 में 6 लोगों की एक टीम एक जहाज को किनारे तक लाने का काम कर रही है जिसका इंजन खराब हो गया था। कैप्टन मर्फी अपनी टीम को लीड करते हुए उस जहाज को सही सलामत किनारे तक लाने में कामयाब रहा। काम पूरा हो जाने के बाद वो सब सेलिब्रेट करने एक बार में पहुंचे जहां उन्हें अपना एक पुराना दोस्त मिला, जैक। उसने उन्हें बताया कि 1962 का एक जहाज जिसमें बहुत सारा सोना ले जाया जा रहा था लगभग 40 साल से गायब है, लेकिन जैक जानता है कि वो कहां मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात तो ये थी कि जो भी इंसान इस जहाज को किनारे तक ले आएगा जहाज के अंदर का सारा खजाना उसी का होगा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो गए और अगले दिन जैक को साथ लेकर अपनी टग बोट में जहाज को ढूंढने निकले। घंटों के सफर के बाद वो जैक की बताई हुई जगह पर पहुंचे, लेकिन उनका रेडार वहां पर किसी भी जहाज के होने के संकेत नहीं दे रहा था। उन्होंने चेक किया कि रेडार ढंग से काम भी कर रहा है या नहीं, और थोड़ी देर बाद जैक की बात को एक अफवाह समझकर वापस मुड़ने का फैसला लिया। लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आ गया। उनकी बोट जहाज से टकराई, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जैक और ग्रेयर वहीं बोट पर रुकेंगे जबकि बाकी के चार लोग जहाज पर जाएंगे। जहाज पर चढ़ने के सेकंडों बाद ही अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। पहले उन्हें उस सुनसान जहाज पर कुछ आवाजें सुनाई थी, फिर अंधेरे कोनों में कुछ चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। वो सब सोचते हैं कि ये सब शायद तेज हवा की वजह से हो रहा होगा, लेकिन तभी उनके पीछे एक वर्ड स्क्रैबल खुद से हिला और उस पर लिखा आया, जहाज में स्वागत है। जब वो जहाज के ऊपरी हिस्से में पहुंचे तो मुंडर नाम का एक सदस्य डेक में हुए एक छेद से नीचे गिरने लगा, लेकिन मॉरीन जो कि उनकी टीम की इकलौती लड़की है ने उसे बचा लिया। जब वो उसे ऊपर खींच रही थी तो उसे वो छोटी लड़की केटी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। मॉरीन को समझ नहीं आया कि वो असलियत में वहां पर थी या उसे भ्रम हुआ था। इस हादसे के बाद वो थोड़ा डरी हुई थी, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद उन्हें जहाज पर एक डिजिटल घड़ी मिली, क्योंकि ऐसी घड़ियां 1962 में नहीं होती थी, तो इसका सीधा मतलब ये था कि उनसे पहले कोई और भी शिप पर आ चुका है। इसके बाद कैप्टन बाकी की छानबीन अगले दिन करने का फैसला लेता है क्योंकि जहाज बहुत बड़ा था। रात के समय जब मॉरीन गुमसुम सी अकेली बैठी थी, जैक उसके पास आया और कहा कि मंडर को गिरने से बचाने के बाद वो कुछ टेंशन में दिखाई दे रही है। जब मॉरीन ने उसे पूरी बात बताई तो जैक कुछ सेकंडों के लिए एकदम चुप हो गया। ऐसा लगता है मानो वो इस बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन उसने मॉरीन से कहा कि उसे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, हो सकता है कि उसका दिमाग बहुत थक गया हो। अगले दिन वो सब बैठकर आगे का प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चला कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा था क्योंकि उसके तने में थोड़ी टूट फूट है। उन्होंने 3 दिन में जहाज को ठीक करके किनारे तक ले जाने का प्लान बनाया। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सब अपने अपने काम पर लग गए। इस दौरान मॉरीन जहाज का जायजा ले रही थी। वो स्विमिंग पूल के पास पहुंची और वहां दीवार पर गोलियों के निशान देखे, जो कि काफी अजीब था क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सभी पैसेंजर्स डूब कर मरे थे। सीढ़ी से ऊपर चढ़ते समय उसने फिर से केटी को देखा। वो धड़ाम से नीचे गिरी और उसके सर से खून निकलने लगा। जब उसने फिर से ऊपर देखा तो अब केटी की जगह जैक उस जगह खड़ा था। वो दोनों जल्दी से वहां से निकल लिए, लेकिन मॉरीन का खून स्विमिंग पूल से गायब होने लगा और जल्द ही उन गोलियों के निशानों से खून बाहर निकलने लगा। वो पूरा स्विमिंग पूल खून से भर गया। इसके बाद जैक और मॉरीन लॉन्ड्री रूम में गए जहां उन्हें एक ऐसा दरवाजा मिला जो जहाज के नक्शे में नहीं था। उसे खोलते ही तेज बहाव से पानी बाहर आया। पानी के साथ साथ कई सारी डेड बॉडीज उनकी तरफ आई। मॉरीन बुरी तरह से डर गई और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जिस रास्ते वो अंदर आए थे वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, जिस वजह से उनके पास जहाज के और अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दूसरी तरफ कैप्टन मर्फी जहाज के कप्तान के कमरे में गया। उसे वहां एक शराब की बोतल खुली हुई दिखाई थी।
लेकिन जब उसने सोचा कि एक घूंट तो मार ही लेते हैं, तो उसे जहाज का असली कप्तान शीशे में दिखा। उसके हाथ से ग्लास जमीन पर गिरा और वो डर के मारे जल्दी से वहां से भाग निकला। इन सभी बातों से अनजान ग्रियर अपना काम कर रहा था जब उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई थी। यह आवाज फ्रेंचेस्का की थी, वही गायिका जो साल 1962 में लोगों के सामने परफॉर्म कर रही थी। ग्रियर ने आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। पर वो ये नहीं जानता था कि एक औरत उसे पीछे से देख रही थी। उधर जैक और मोरीन को वो खजाना मिल गया जिसके चक्कर में वो सब वहां आए थे। वहां करोड़ों का सोना था। बोट का मैकेनिक सैंटोस इंजन्स को साफ करने लगता है ताकि वो जल्दी से बोट लेकर वहां से निकलें। लेकिन उसके पीछे रखे प्रोपेन सिलेंडर्स का नॉब खुद ब खुद खुलने लगा, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में सैंटोस और उनकी बोट दोनों खत्म हो गए। उनके दोस्त की मौत पर सभी बहुत दुखी हुए और अब तो वो इस भूतिया जहाज पर ही फंस चुके थे। उनके पास जहाज को ठीक करने के अलावा कोई चारा नहीं था। धमाके से ठीक पहले मॉरीन ने केटी को फिर से देखा था। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे धमाके के बारे में आगाह करने आ रही हो, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। मॉरीन इस केटी नाम की लड़की के बारे में छानबीन शुरू कर देती है। उसने गेस्ट लिस्ट वाले रजिस्टर से उसके कमरे का पता लगाया, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो जोर से चिल्लाई। कमरे में एक कंकाल लटका हुआ था जिसने उस बच्ची जैसे ही कपड़े पहने थे। उसने पास जाकर उस कंकाल के गले से एक लॉकेट निकाल लिया। केटी की आत्मा कमरे में आई और अपना लॉकेट वापस मांगा। मॉरीन ने वो लॉकेट उसके हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कलाई के आर पार जा रहा था। ये साफ हो गया था कि वो लड़की एक आत्मा है। रसोई में टीम के दो सदस्यों को एकदम ताजा खाना मिला। उन्हें इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इतने पुराने जहाज में ताजा खाना कैसे आ सकता है। शुरुआत में तो वो मस्त स्वाद लग रहा था, लेकिन जल्द ही उन्हें गंदी बदबू आने लगी और जब उन्होंने दोबारा देखा तो वो खाना कीड़ों में बदल चुका था। दूसरी तरफ ग्रियर एक कमरे में पहुंचा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक से वो जगह बिल्कुल वैसी हो गई जैसी 1962 में दिखती थी। बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े थे और फ्रेंचेस्का को तो उसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। उसने ग्रेग के साथ फ्लर्ट किया और कपड़े उतारते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अब वो भी क्या करता, मैन विल बी मैन। लेकिन जैसे ही उसने फ्रेंचेस्का के करीब आने की कोशिश की, उसके भयानक चेहरे को देखकर उसका बैलेंस बिगड़ा और वो एक बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर मर गया। दूसरी तरफ कैप्टन मर्फी फिर से जहाज के कप्तान के कमरे में गया। अचानक से एक शराब की बोतल अपने आप हिलने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो जहाज का असली कप्तान उसके सामने बैठा था। उसने मर्फी के ग्लास में शराब डाली और उसे भरोसा दिलाया कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं, सिर्फ बात करने आया है। उसने बताया कि 40 साल पहले उन्हें एक खोया हुआ जहाज मिला जिसका नाम था लॉरेलाय, लेकिन उसके ठीक दो दिन बाद ग्राजा यानी कि जिस जहाज पर वो हैं वो भी गायब हो गया। उसने मर्फी को एक तस्वीर दिखाई जिसे देखकर वो चौंक गया। इस दौरान केटी और मॉरीन भी बातें कर रहे थे। केटी ने बताया कि जितने भी लोग 40 साल पहले वहां मरे थे उनकी आत्माएं जहाज में ही कैद हैं। एक ताकतवर शैतानी शक्ति ने उन्हें उस जहाज से बांध रखा है और उन्हें मुक्ति सिर्फ तब मिलेगी जब वो जहाज तबाह हो जाएगा। इससे पहले कि वो मॉरीन को उस शैतानी शक्ति के बारे में बताती, उसके कमरे की दीवारों का रंग बदलने लगा। केटी मॉरीन को भाग जाने के लिए कहकर वहां से गायब हो गई। उधर स्विमिंग पूल के पास कैप्टन मर्फी अपने साथियों को ढूंढ रहा है। उसे जहाज के खो जाने के पीछे की सच्चाई पता लग चुकी थी और वो जल्द से जल्द अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे सैंटोस का भूत दिखाई देता है जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। उस बुरी शक्ति का असर इतना ज्यादा था कि उसे मॉरीन में भी सैंटोस ही दिखाई दिया और बिना कुछ सोचे समझे मर्फी ने उस पर हमला कर दिया। वो नहीं जानता था कि वो असल में मॉरीन को मारने की कोशिश कर रहा है। जैक ने उसे बचाने के लिए मर्फी के सर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर दे मारा जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो उसे खाली पड़ी टंकी में डालकर वहीं बंद कर देते हैं। अब उन्हें खजाने का लालच नहीं था, वो सब जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते थे। उन्होंने कुछ ही घंटों में जहाज को ठीक कर दिया। मॉरीन ग्रेयर को ढूंढने गई क्योंकि वो काफी देर से उन्हें नहीं मिला था। केटी ने उसे ग्रेग की लाश दिखाई। इस बार केटी उसे पूरी सच्चाई दिखाती है। उसने जैसे ही मॉरीन को हाथ लगाया वो भी उसके साथ 40 साल पुराने समय में पहुंच गई, जहां पर सभी पूरे मजे में थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जहाज के को कैप्टन ने सारे गार्ड्स और स्टाफ को मना लिया था कि अगर वो जहाज में मौजूद सभी लोगों को मार दें तो एक दिन पहले जो करोड़ों का सोना उन्हें मिला था उसे वो आपस में बांट सकते हैं। रसोइयों ने खाने में जहर मिला दिया जिसने ज्यादातर पैसेंजर्स की जान ले ली। फिर वो डांस फ्लोर वाली घटना घटी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बाकी के बचे पैसेंजर्स को पूल में गोलियों से भून दिया गया। उन दरिंदों ने केटी को भी उसके कमरे में ले जाकर फांसी लगा दी। इसके बाद सारा स्टाफ और गार्ड्स खजाने वाले कमरे में जाकर जो कुछ मिला वो उठाने लगे, लेकिन को कैप्टन ने फ्रेंचेस्का के साथ मिलकर उन सबको शूट कर दिया।
आखिर में जब सिर्फ वो दोनों जिंदा बचे थे तो फ्रेंचेस्का ने उसे भी गोली मार दी। पता चलता है कि वो असलियत में किसी और से प्यार करती थी। यही वो आदमी था जिसने वो सारा खेल रचा था। इतने लोगों को मारने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अभी सरप्राइजेस खत्म नहीं हुए थे। उस आदमी ने फ्रेंचेस्का को भी मार दिया। आखिर में पता चला कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है। वो नर्क से आया एक दानव था जिसका काम है लोगों से पाप करवाकर उन्हें घसीट कर नर्क ले जाना। मॉरीन अब सब कुछ समझ गई थी। जैक ही उन्हें जहाज के बारे में बताकर वहां लाया। उसने बार बार केटी के भूत को उसका वहम कहकर उसे सच्चाई से दूर रखने की कोशिश की। वो भागकर मर्फी के पास गई, लेकिन उसकी तो पहले ही डूबकर मौत हो चुकी थी। वो बाकी सबको जैक की सच्चाई बताने के लिए उनके पास गई। मंडर इंजन में कुछ ठीक करने के लिए पानी में उतरा। मॉरीन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती उसकी ऑक्सीजन पाइप्स खून से भर गई, जो कि एक इशारा था कि वो भी मारा गया। अब सिर्फ दो लोग ही बचे थे, मॉरीन और उनकी टीम का सदस्य डॉज। उसने उसे जैक से बचकर रहने को कहा और जहाज में जगह जगह पर विस्फोटक बम लगा दिए। जैक ने डॉज को अकेला पाकर उसे लड़ाई के लिए उकसाया। गुस्से में डॉज ने जैक को गोलियों से छल्ली कर दिया और ये मानकर कि वो मर चुका है, वो भागता हुआ मॉरीन के पास पहुंचा, जो कि अभी अभी सारे विस्फोटकों को सेट करके हटी थी। डॉज ने उसे बताया कि उसने जैक को मार दिया है और वो दोनों इस सोने का इस्तेमाल करके एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन मॉरीन समझ गई थी कि वो डॉज नहीं था, क्योंकि डॉज को ये नहीं पता था कि मंडर की मौत हो चुकी है। ये आदमी जैक ही था जो मॉरीन को भी पाप का भागीदार बनाने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि मॉरीन एक अच्छी इंसान है। उसने मॉरीन से कहा कि वो उसकी जिंदगी बख्श देगा, लेकिन वो भी उसके नियमों के साथ खिलवाड़ ना करे और चुपचाप यहाँ से चली जाए। इसके जवाब में मॉरीन ने अपने लगाए सारे विस्फोटकों को ऑन कर दिया और पानी में कूद गई। जैक के साथ साथ पूरे जहाज के चीथड़े उड़ गए। मॉरीन को पानी के अंदर जहाज के मलबे से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन केटी ने वहां आकर उसकी जान बचाई। आखिरकार उस जहाज में कैद सभी प्रेत आत्माएं मुक्त हो गई। अगले दिन एक दूसरे जहाज ने मॉरीन को एक बक्से पर तैरते हुए पाया और उसकी जान बचाई। जब उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो उसने देखा कि उस शापित खजाने को उस दूसरे जहाज में लोड किया जा रहा था। जैक मरा नहीं था। वो इस पाप के खेल को दोबारा शुरू करने के लिए उस जहाज पर चढ़ा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।